सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही क्या हैं, यूजफुल हैं। और आज की वीडियो है किसकी? आज की वीडियो है हमारी एंटोनियम्स की है, यानी विपरीतार्थक शब्दों की है। अब विपरीतार्थक शब्द आप बहुत कम सुनते होंगे, तो इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है विलोम शब्द। ये तो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। क्या? उल्टा शब्द। एंटोनियम्स की हिंदी होती है विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द या उल्टे शब्द। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम वन बाय वन सबको क्लियर करेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे, उसकी इंग्लिश को समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा देखिए फर्स्ट नंबर का क्या है, फर्स्ट नंबर दिया गया है आपका एडवांटेज। क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर हमारा है एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता क्या है? एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। जब हमको किसी चीज का लाभ होता है, फायदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवांटेज। तो बताइए उसका उल्टा शब्द क्या होना चाहिए? लाभ का क्या, हानि होना चाहिए। तो हानि की इंग्लिश होती है डिसएडवांटेज। जब आप इंग्लिश में बोलेंगे कहेंगे एडवांटेज का डिसएडवांटेज। हिंदी में बोलना होगा कहेंगे सर लाभ का हानि होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एडवांटेज का होता है क्या, डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर पे हमारा क्या है, सेकंड नंबर पे हमारा है अलोन। देखिएगा ध्यान से, क्या है? अलोन। अलोन मीन्स क्या होता है? अलोन मीन्स होता है अकेला। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अकेला है, एक ही है, तो उसको कहेंगे अलोन। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होता है, इसका एंटोनियम्स होता है क्या, टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है क्या, साथ में। अलोन मीन्स होता है आपका अकेला और टुगेदर मीन्स होता है साथ में। समझ में आया? आगे चलिए देखते हैं। 3रा नंबर क्या हमारा? 3रा नंबर है अबव। क्या बोलेंगे? अबव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अबव, है ना। चलिए देखिए, अबव मीन्स क्या होता है? अबव मीन्स होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर, है ना। तो इसका एंटोनियम्स यानी उल्टे शब्द क्या है, विलोम शब्द, इसका होगा वेलो। क्या होगा? बिलो होगा। ठीक है, बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे होता है। क्या होता है? नीचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 4 नंबर दिया गया है क्या, अट्रैक्ट, है ना। किसी चीज को क्या करना? अट्रैक्ट करना। ठीक है, अट्रैक्ट की हिंदी होती है क्या, आकर्षक। ठीक है, क्या होता है? आकर्षक, मनमोहक। ठीक है, उसे कहते हैं क्या, अट्रैक्ट। तो इसका होता है उल्टा शब्द क्या होता है, रिपेल। क्या होता है? रिपेल। रिपेल मीन्स होता है विकर्षक। आप समझेंगे कि ये विकर्षक क्या होता है। विकर्षक मीन्स होता है, हम समझेंगे कि घृणा, है ना। जब हम किसी चीज से आकर्षित होते हैं तो उसको हम कहते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्शन करना। और यहाँ पे रिपेल, रिपेल की होती है क्या हमारी, आपकी क्या है, विकर्षक। क्या है? विकर्षक। विकर्षक यानी घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, उससे दूर होना, उसे कहते हैं रिपेल। आगे चलिए समझते हैं। हमारा 5 नंबर का क्या है, असेंबल। असेंबल की हिंदी क्या है, एकत्र। असेंबल की हिंदी क्या होती है, एकत्र, मतलब इकट्ठा करना। क्या? इकट्ठा करना यानी संग्रहित करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, असेंबल। असेंबल का होता है क्या, उल्टा शब्द देखिएगा, डिस्पर्स। क्या होता है? डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना। कोई चीज इकट्ठा करी गई और कोई चीज बिखेर दी गई, तो उसे कहते हैं डिस्पर्स। क्या कहते हैं? डिस्पर्स। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा वर्ड है क्या, बॉटम। क्या है? बॉटम। नहीं सुने हैं? बॉटम। बॉटम मीन्स होता है नीचे। क्या होता है? बॉटम मीन्स होता है नीचे। और इसका बताइए उल्टा शब्द क्या होगा? इसका उल्टा शब्द होगा टॉप। क्या होगा? टॉप। टॉप मीन्स होता है ऊपर। ऊपर, है ना, यानी शिखर, बहुत ऊपर, है ना, सबसे ऊंचाई पे, उसको क्या कहा जाता है? टॉप। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ब्लंट। ठीक है, कौन सा नंबर? 7 नंबर हमारा क्या है, ब्लंट। ब्लंट मीन्स क्या होता है? ब्लंट मीन्स होता है मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि, जो बहुत कमजोर होता है, जिसको अक्ल नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। तो इसका उल्टा क्या होगा, शार्प। कहते हैं ना, यह लड़का बहुत ही शार्प माइंड है, मतलब तेज बुद्धि वाला है। तो ब्लंट का मंद बुद्धि, ब्लंट मीन्स मंद बुद्धि, और शार्प मीन्स होता अकलमंद, मतलब तेज दिमाग वाला। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं शार्प माइंड, इसके पास ज्यादा बुद्धि है। ठीक है, ज्यादा दिमाग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, बिटर। क्या है हमारा, आगे हमारा है बिटर। बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, कड़वा, कड़वा। ठीक है, तो बिटर मीन्स होता है कड़वा, और इसका उल्टा क्या, स्वीट। सबको पसंद होगा। स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, है ना। स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 9 नंबर पे क्या है, बेनिफिशियल। क्या है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मीन्स होता है क्या, लाभदायक। बेनिफिशियल मीन्स क्या होता है, लाभदायक। और बेनिफिशियल की ये एक नया है, क्या है, नया वर्ड है ना। बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक, और इसका उल्टा होता है क्या, हार्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्म, है ना। हार्मफुल क्या बोलेंगे, हार्म। इसमें थोड़ा आर जो है ना साइलेंट होता है, तो कहेंगे क्या, हार्मफुल। क्या बोलेंगे, हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स होता है क्या, हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर पे क्या दिया गया है, 10 नंबर पे दिया गया है बारबरस। क्या दिया गया है, बारबरस। बारबरस मीन्स होता है असभ्य। क्या, असभ्य। आप गांव वगैरह में देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से बोलते समय एकदम बहुत ही खराब लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, असभ्य। जिनके अंदर आचरण नहीं होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है असभ्य, यानी बारबरस। और इसका जो है उल्टा शब्द क्या है, इसका उल्टा शब्द है सिविलाइज्ड। क्या होता है, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स होता है क्या, सभ्य, जिसके अंदर अच्छे आचरण होते हैं, सभी का सम्मान करता हो जो, उसे कहते हैं क्या, सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एंटोनियम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके इंग्लिश बोलने में भी यूजफुल होंगे। आप इसकी हिंदी जान लीजिए, और इसका जो है आपने शब्द का उल्टा शब्द भी जान लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसको क्या करें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ताकि जो है आपको दोबारा जब आपको रीडिंग करना हो तो आसानी से आप कर सकें। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम आपके लिए सेंड करें तो सबसे पहले आप उसके नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।